ये देखिए मलाई का बहुत ही अच्छा टेक्सचर इसमें आया है और इसने ऑयल भी रिलीज कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी मलाई और प्याज की सब्जी। ये राजस्थान की फेमस डिश है और इसको यहाँ बहुत ही चाव से खाया जाता है। घर में कोई सब्जी ना हो तो भी मलाई और प्याज तो आसानी से मिल ही जाते हैं और आप इसको 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं मलाई और प्याज की सब्जी बनाना। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम प्याज को लंबा लंबा चॉप करेंगे। ये मैंने छोटे साइज के 6 प्याज लिए हैं। सभी प्याज को मैंने लंबा लंबा चॉप कर लिया है, ये देखिए। अब चलते हैं गैस की तरफ और सब्जी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। इसको थोड़ा सा चलाएंगे। अब इसमें डालेंगे 2 खड़ी लाल मिर्ची। इसको हम थोड़ा सा भुनेंगे। ये लाल मिर्ची भुन गई है, अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक अच्छे से भुन गया है, अब इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। ये 2 हरी मिर्ची मैंने बारीक काट कर ली है। और साथ साथ ही हम डाल देंगे चॉप किए हुए प्याज। अब इसको मीडियम फ्लेम पे गोल्डन होने तक हम भूनेंगे। प्याज हल्के हल्के गोल्डन हो गए हैं, इसको हमें ज्यादा पकाना नहीं है, बस इसको थोड़ा थोड़ा गोल्डन ही करना है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 पिंच हींग। इसको मिक्स करेंगे। अब डालेंगे नमक स्वादानुसार, लाल मिर्ची स्वादानुसार, हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून और साथ में डालेंगे 2 टीस्पून दरदरा पिसा हुआ धनिया। ये साबुत धनिया को मैंने मिक्सी में पीसा हुआ है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मलाई। ये मैंने फ्रेश दूध की मलाई ली है। इसको इस तरह से हम फेंटेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे। ये मलाई पीली है क्योंकि मैंने गाय के दूध की ली है, आप चाहें तो भैंस के दूध की भी ले सकते हैं। अब इसको हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी हम इसको लगभग 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाएंगे। लगभग 1 मिनट हो गया है, अब मैं इसमें 20 से 25 दाने किशमिश के डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए मलाई का बहुत ही अच्छा टेक्सचर इसमें आया है और इसने ऑयल भी रिलीज कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून। इसको हाथों से इस तरह से रगड़ के डालेंगे, इससे खुशबू और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये सब्जी को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, ये देखिए इसमें बहुत ही चोखा राजस्थानी रंग चढ़ा है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। अगर आप इसको एक बार खाएंगे तो दोबारा जरूर बनाएंगे। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। थैंक यू।